अपने आप को सुर्खियों में दिखाने के लिए चंद्रशेखर रावण नए नए तरीके के विवादित बयान या कुछ भी इस तरीके का काम करते रहते हैं ताकि वो सुर्खियों में रहें मीडिया की। वहीं उन्होंने एक और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती पर निशाना साधा और परिवारवाद का जिक्र करते हुए कहा कि काशीराम चाहते तो वो भी अपनी विरासत अपने परिवार को दे सकते थे। अब बहुजन समाज आपके मायावती के बहकावे में नहीं आने वाला है। चंद्रशेखर ने कहा कि काशीराम की राजनीति राजकुमार बनाने की नहीं बल्कि राजकुमारों के रजवाड़ों को गिराने की थी। पंक्ति में आखिरी में खड़े बहुजन समाज के व्यक्ति को नेता बनाने की थी। चाहते तो वो भी अपनी विरासत अपने परिवार को दे सकते थे। बाकी कहने को ज्यादा कुछ बचा नहीं है, बस आकाश आनंद जी को बधाई। इसके बाद चंद्रशेखर ने कहा कि मैंने चुनाव से पहले बार बार कहा था कि प्रमोशन में रिजर्वेशन बिल पर अखिलेश यादव को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए, तब आप चुप रही। अब चुनाव हार गए तो अब आपको प्रमोशन में रिजर्वेशन बिल याद आ रहा है। बहुजन समाज अब आपके बहकावे में नहीं आने वाला है। असल में मायावती ने लोकसभा चुनाव में नतीजों की पार्टी ढांचे में अहम बदलाव किए हैं। इसके तहत मायावती के भाई आनंद कुमार को एक बार फिर पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं आकाश आनंद को राष्ट्रीय की बसपा की एक बड़ी जिम्मेवारी दी है। साथ ही में पार्टी राष्ट्रीय स्तर के दो समन्वय बनाए गए हैं। मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष रामजी गौतम अब राष्ट्रीय समन्वय की जिम्मेदारी संभालेंगे। दानिश अली को लोकसभा में बीएसपी का नेता बनाया गया है। भाई और भतीजे को पार्टी में अहम पद दिए जाने के बाद मायावती के परिवारवाद को लेकर आलोचना हो रही है। बीजेपी विपक्ष में अन्य पार्टियों के साथ बसपा को भी एक परिवार की जागीर बता रही है। लेकिन कहता कोई कुछ भी रहे, अगर बहुजन समाज की बसपा सुप्रीमो का त्याग देखना है तो 21 साल की उम्र में उन्होंने किसी सत्ता के लालच में पार्टी ज्वाइन नहीं करी थी। उन्होंने बहुजन समाज को जोड़ने के लिए अपनी पूरा समय लगा दिया है। उन्होंने बहुजन समाज के मूर्तियों का निर्माण कराया है। उन्होंने डिग्री कॉलेजेस दिए। यही नेता अगर ब्राह्मण समाज की होती तो कम से कम 5 बार प्रधानमंत्री होती। लेकिन बहुजन समाज के लोगों का छलावा है कि 2 पल में अपने नेता को ऊपर से नीचे उतार देते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।